तो भाई आज हम क्या खाएंगे बताओ। आज थोड़ा पास्ता, मैक्रोनी पास्ता खाने का मन करता है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं भानिज आज घर में आया है, तो हम इसको पास्ता खिलाते हैं, पास्ता का नाश्ता खिलाते हैं इसको और बताते हैं कि भाई तुम्हें पास्ता आखिर कैसा लगा। तो रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो चले हम पास्ता बनाने, तो चलते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज यार काफ़ी टाइम के बाद पास्ता की याद आ रही है, पास्ता आप जानते हैं मैक्रोनी जिसे कहते हैं, तो चले मैक्रोनी खाने। भानिज भी आ रखा है तो यार इसको भी खिलाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मैक्रोनी की रेसिपी आखिर होती कैसी है और उसको बनाया कैसे जाता है। सो चलते हैं पास्ता बनाने। सो देख सकते हो दोस्तों आज का जो नाश्ता है ना उसके लिए काटी गई हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ये हमारी हरी मिर्ची और ये हो गया अपना टमाटर, ये हो गया अपना सग्या मिर्च और दोस्तों ये है अपना प्याज ऑनियन। सो फ्रेंड पास्ता बनाने का जो मेन रीज़न है वो है सुबह का नाश्ता। या जब तक हम करते हैं सुबह का नाश्ता तब तक रेडी होगा हमारा पास्ता। तो इसे हम क्या कहते हैं इसका नाम और दूसरा मैक्रोनी। हाँ तो दोस्तों इसको हम मैक्रोनी भी कहते हैं और ये काफ़ी पोषक भी होता है, इसमें बच्चे भी इसको खा सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे मैगी वैगी खाते हैं ना जैसे हम लोग, तो मैगी उतना नुकसान तो देती देती है पेट की आंतों को भी, कहते हैं कि भाई मैगी नुकसान देती है बच्चों को भी, तो उसके हिसाब से ये चीज़ बेस्ट है दोस्तों। तो आगे की भी मैं जो कार्रवाई दिखाता हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। और सो हमने कुकर में डाला दोस्तों तेल, मैं आपको दिखाता हूँ। सो तेल हमने डाल दिया है और गैस की जो फ्लेम होती है वो हमने थोड़ी हल्की कर रखी है, लो कर रखी है। तेल मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कुकर में, देख ही सकते हो आप लोग। तो तेल को हम उन देंगे गरम दोस्तों। सो देख ही सकते हैं आप हल्के फ्लेम में आपको तेल को गरम होने देना है। सो दोस्तों भी देख सकते हो आप लोग कि ऑयल भी गरम हो गया और अब इसमें पड़ेगा जीरा। जीरा आप देख ही सकते हो लगभग 2 चम्मच के बराबर और जीरा होगा फ्राई। सो आगे की भी हमें आपको जो भी कार्रवाई होगी आज पास्ता बनाने की वो भी दिखाता रहूँगा। सो जीरा हमने फ्राई करने के बाद दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हो आप जीरा बिल्कुल फ्राई हो चुका है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑनियन। और ऑनियन भी कुकर में पूर्ण रूप से समाहित हो चुका है। सो इसको हम थोड़ा हिला लेते हैं और तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग इसमें जाएगा टमाटर जो काफ़ी बारीक कटा है और प्याज हमारी लगभग लगभग ब्राउन हो चुकी है। उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर, टमाटर को भी हमने उसी तरह से फ्राई करना है जिस तरह से हमने दोस्तों प्याज को किया था। तो टमाटर को भी हम तो टमाटर डालने के बाद हमने अब डाला इसमें शिमला मिर्च जो बारीक कटा है, क्योंकि बारीक कटने का एक रीज़न क्या ना दोस्तों, क्योंकि जो ये पास्ता के जो पीस होते हैं ना कट पीस वो काफ़ी बारीक होता है तो उसमें आप काफ़ी अच्छी तरह घुल मिल जाता है। और ये रही हमारी हरी मिर्च, 4 या 5 पीस आप स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हैं अपने पास्ता में। सो इस चीज़ को हम काफ़ी बेटर तरीके से मिला देंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। सो मिक्सिंग बढ़िया तरीके से आप कर लीजिएगा। सो दोस्तों हमारा जो वेजिटेबल था वो काफ़ी बेटर तरीके से आप देख ही सकते हैं घुल मिल गया है ऑयल के साथ। सो अब बारी आती है दोस्तों मेन रीजन जो है मसाला। सो डिपेंड करता है कि आप कितना चटक खाना चाहते हैं या कितना नॉर्मल रेसिपी आप बनाना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार आप मसाले को यूज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हैं कि आप हम लोग इस पर कितना मसाला ऐड कर रहे हैं। ये हमने क्या डाला, ये हमने धनिया डाला 2 चम्मच और ये क्या है जीरा हमने डाला पिसा हुआ लगभग 1 चम्मच और
हल्दी को हमने डाला लगभग लगभग आधा चम्मच। सो आप देख ही सकते हैं, अब बारी आई मिर्ची की। तो तीखा आप कितना खाते हैं आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। देख ही सकते हैं कि आप हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं मिर्ची को। सो उसके बाद सॉल्ट की बारी आती है। सो नमक हमने इतना डाल दिया है जितना हमें स्वाद अनुसार चाहिए। सो आप भी अभी इतना यूज़ कर सकते हैं जितना आप स्वाद अनुसार नमक को लेना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं मिक्सर वाकई यार काफ़ी ज़बरदस्त मिक्सर। और दोस्तों जो खुशबू अभी आ रही है ना, अभी तो हमने पास्ता भी ऐड नहीं कर रखा है, मैं क्या बताऊं भाई क्या लाजवाब खुशबू है। सो ये कौन सा है पाउडर? सो दोस्तों ये है गरम मसाला। इसको हमने लगभग एक चम्मच और लगभग लगभग एक चम्मच और आधा चम्मच यानी डेढ़ चम्मच आप कह सकते हैं। सो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। देख सकते हैं आप जो कलर आ रहा है दोस्तों मसाले का, काफ़ी लाजवाब। और जो खुशबू अभी आ रही है, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई क्या बात है, मसालों की खुशबू ही कुछ अलग है। सो हमने इसमें हल्का सा पानी ताकि मसाले जले ना, और अच्छी तरह से मिक्सर इसको हमने कर देना है दोस्तों। सो उसके बाद हम लगभग लगभग मसाला काफ़ी अच्छी तरह घुल गया है ऑयल के साथ, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। सो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हमने ऐड कर दिया है। सो लगभग लगभग ये आधा किलो होगा ना। हाँ सो दोस्तों जो भी आपने मसाला देखा कुकर में तो वो आधा किलो पास्ता के लिए था। सो आधा किलो पास्ते के लिए आप मेरा ये वीडियो देखकर समझ सकते हो कि कितना मसाला और कितना ऑयल आपने ऐड करना है। तो इसको हम ऐड कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मिक्सर जितना बेटर होगा तो पास्ते का जो टेस्ट होगा ना दोस्तों वो उतना ही बेस्ट होगा। सो आप देख ही सकते हैं मिक्सचर पास्ते ने बिल्कुल काफ़ी बेटर तरीके से ले लिया है। तो आप जितना इसको मिक्स करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा दोस्तों। तो मिक्सचर में आपने ध्यान देना है कि अच्छी तरह से आप कर लें। मसाला जो ऐड हो चुका है पास्ते के बाद, उसके बाद हम डालेंगे कस्तूरी मेथी हैं एक चम्मच आप कस्तूरी मेथी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, जो सुगंध और जो खुशबू होगी ना दोस्तों, आ हा 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 ज़बरदस्त आएगी। सो आप देख ही सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है हमारे पास्ता का। मिक्सचर काफ़ी अच्छा पानी ऐड हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि आधा जग पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। मिक्सचर जितना याद रखिएगा आप, जितना मिक्सचर ये ऐड होगा पास्ता में उतना ही टेस्ट भी बरकरार होगा पास्ता का, उतना ही खाने में लजीज पास्ता बनेगा हमारा। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको खूब मिक्सिंग में ध्यान देना है बस। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कस्तूरी मेथी बिल्कुल ऊपर तैरती हुई, वाह यार मज़ा आ गया। बनाने में भी हमें काफ़ी अच्छा लगा इसको, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। मैं तो खाते रहता हूँ दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देखकर आप पास्ता बना सकते हैं, और जो मज़ा आएगा ना दोस्तों खाने में भाई क्या बताऊँ मैं आपको। सो आप देख सकते हैं कि अब हमारा कुकर पैक्ड हो चुका है, ढक्कन लग चुका है, और जो फ्लेम है गैस की मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लेम आपने देखनी है कि लो है, तो लो फ्लेम में ये हमारा पास्ता ऐड होगा।
तो दोस्तों लोगों, देखा पास्ता बनाने की विधि तो मैंने तुम्हें बताई, तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि यार कुकर में तो सीटी आती है तो पास्ते में कितनी सीटी लगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ दो सीटी का कमाल है, बस दो सीटी के बाद आपका पास्ता एकदम रेडी हो जाता है। सो मैं दिखाता हूँ आपको पास्ता कि हमारा पास्ता किस तरह से देख सकते हो आप। अब हमारे भाई से बताएंगे कि पास्ता कैसा होता है। सो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जितना खूबसूरत पास्ता लग रहा है यार, वाकई यार खाने के बाद ही हमारे भाई से बताएंगे। सो भाई से एक बार आप टेस्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं जितने प्यार से हमने इसकी रेसिपी को तैयार किया था। सो वानिज वाह मजा आ गया, जितनी देर से इंतजार किया पूरा मजा नहीं। सो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितने प्यार से मेरा वानिज इसके चटकारे लेते हुए इसको एंजॉय करते हुए खा रहा है। सो आप भी इसको बिल्कुल एंजॉय करके खाना यार दोस्तों, क्योंकि जितनी मेहनत इसको बनाने में लगती है ना। सो वानिज आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई पास्ता बनाने में जो मतलब आप रुके थे, जो आपकी जीव में पानी आ रहा था, जो मन ललचा रहा था, क्या उसका फल आपको मिला क्या इसको खाने में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये कहूँगा जो ये मैक्रोनी पास्ता मैं अभी खा रहा हूँ, आधा घंटा वेट कर रहे हैं और इस वेट में मैंने जितना भी मैंने रुका था, मैं सोचा था कब खाऊँ कब खाऊँ, अब तो दोस्तों मुझसे राजनीदार है आपसे बात करूँगा। बिल्कुल, फिर आप मैं भी आपको बताता हूँ कि यार इस पास्ते का टेस्ट आखिर कैसा है। वानिज बोल रहा है कि कुछ बोल तो सही दर्शकों से, तो मैं कह रहा हूँ यार कुछ टेस्ट तो ले लूँ। सो भाई देख ही सकते हो आप, मज़ा आ गया इसको खाने में। सो इजी बनाना है और आप लोग भी इसको इजी तरीके से बना सकते हो, और नाश्ते में या कभी जैसे घर में अगर राशन वासन ना हो तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है यार। सो मिलते हैं आपको ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।